बोलने वाली मछली देखी है? नहीं देखी होगी जी। हाँ, एक बोलने वाली मछली इस तालाब के अंदर मिली है। पानीपत में अद्भुत चमत्कार हो गया है। बोलने वाली मछली, वो मछली है, वो जमीन पर चलती है जी। हाँ, ये तो सच में अजूबा हो गया है। दुनिया के 7 अजूबे देखे हैं, क्या 8वां अजूबा देखा है? तो फिलहाल वो शख्स देख सकते हैं जिसने उस बोलने वाली मछली को पकड़ा है। वो सोच रहा है कि एक आधी और मछली मिल जाए तो शायद मेरी किस्मत जाग जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। कुछ मछलियाँ यहाँ देख सकते हैं जो जमीन के ऊपर खड़ी हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, ये सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा है। और वो मछली आप देख रहे हैं उस भाई साहब के हाथ में, बिल्कुल अभी दिखाऊंगा, ये मछली बोलती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। भाई, अजीबोगरीब बात नहीं है, ये मछली बोलती है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा। ये बताओ, एक बोलने वाली मछली पकड़ ली, और भी पकड़ने का इरादा है? हाँ जी, सब बोल रही है जी, बोल रही है। हाँ, सब बोल रही है। और मछली कुछ ऐसा बोल रही है जिसे सुनकर आप हिल जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं वो भाई साहब हैं, उन्होंने उस मछली से बातचीत की। इधर आइए, ये देखिए, अच्छे से पकड़िए, इकलौती मछली है, बोलने वाली मछली है। ये बताइए, ये क्या क्या बात करती है, कैसे कैसे बात करती है? देखो, इन्होंने जब हम आए तो इन्होंने चीख के बारी हमें, देखो हमसे बात करो। जब नहीं, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, पहले बात करिए मछली से। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग साक्षी बन रहे हैं आज बोलने वाली मछली के। अभी बताता हूँ कि ये मछली क्या बोलती है, बात करिए थोड़ा। हेलो, हाउ आर यू, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, ये कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप आए ऐसे ही, पूरी पानीपत की जनता आए, वो चहल पहलो। क्या नाम है आपका? मैं सुनील चावला। सुनील जी, क्यों जनता को पोपट बना रहे हो? हमें तो आवाज ही नहीं सुनाई दी, आप कह रहे हो ये मछली बोलती है। जी, आप ध्यान से सुने, कान लगा के सुने, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, एक बार और बात करिए। हेलो, हाँ जी, शायद आपसे शर्म आ गई है। ये देखिए, इन्होंने कहा कि हमने बोलने वाली मछली पकड़ी है, और ये वो मछुआरे हैं, कलयुग के मछुआरे। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस लग रही है मेरे को, जो है ये कैमरा कॉन्शियस हो गया, इसलिए कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रही। वैसे तो भी बहुत बातें करके हमें बुलाया इसने कि मेरे को पानी नहीं मिला, देखो मैं अब हवा में ही जीना। आप लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम ड्रामा क्यों कर रहे हैं। ये सलूजा साहब ये कह रहे हैं बोलने वाली मछली है, क्या ये? ऐसा जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे, नहीं तो हम एक साल से इस साइड आए भी नहीं थे। इन्होंने आवाज मारी, पानी आ गया, देखो सबको बुलाओ, पानी मत वालों को बुलाओ, यहाँ पर बहुत पानी है, ये नावें चल रही हैं, एंजॉय कीजिए, या गोवा बीच की तरह यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये मछली आपसे इतनी सारी बातें कर रही है? लेकिन पता क्या, कई व्यक्ति ना माइक के आगे घबरा जाते हैं, तो लगता है जब से आप आए आवाज निकलनी बंद हो गई। पहले तो बहुत अच्छी सी बात है, जैसे मछली काफी आपकी बेजान नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को बेजान मत कहिए, इसके अंदर बहुत जान है, इसने बहुत बातें की हमारे। ये मछली यहाँ पर पकड़ के तो लाए हैं, अब इसे क्या म्यूजियम में ले जाएंगे? नहीं नहीं, इसको वापसी हम छोड़ेंगे, ताकि अपना पानी के अंदर, ताकि अपना दोबारा उछले कुदले। छोड़े, पानी में छोड़ दो आप। ये देखिए, इन्होंने मछली को छोड़ दी, और बहुत अच्छी बात है, किसी भी एनिमल को परेशान नहीं करना चाहिए, जो उसका घर होता है वहाँ पर उसे रहने देना चाहिए। तो बिल्कुल यही चीज हम चाहते हैं, वही उनकी इच्छा की, उनकी इच्छा थी हम उनके हाथों में आए, उनसे बातें करें, उन्होंने बातें करी, लेकिन हमने मछली को वापस छोड़ा है, ताकि अपना जिनका उनका घर है घर में रहे। और उन्होंने ये कहा है कि पानीपत की जनता पूरी आए यहाँ पर, इंजॉय करे, गोवा जैसी फीलिंग महसूस होगी, वोटिंग करे और अच्छा महसूस करे। आपको बता दूं, ये पानीपत का हाली पार्क है, और ये सारे भाई लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि प्रशासन जाग सके, क्योंकि इसका टेंडर काफ़ी समय पहले हो गया था, और माननीय विधायक जी भी कहते हैं कि बहुत जल्द इसका काम पूरा हो जाएगा कुछ ही महीनों में। लेकिन अब देखने वाली बात है, ये पूरा होगा तो होगा कब, आखिर कब पूरा होगा जी? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, चाहे हम ना देखें, हमारे बच्चे ना देखें, आने वाले हमारे बच्चों के बच्चे जरूर देखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हमें नेताओं पे, हमारी सरकार पे, हमें निगम पे पूरा भरोसा है, चाहे वो ठेका 50 करोड़ से 250 करोड़ का हो जाए, GST पूरा आ रहा है, पैसा टोल पे पैसा पूरा आ रहा है, पानी करनाल लोकसभा के अंदर 6 टोल लगा दिए गए हैं, पैसा खूब है, पैसे की कमी नहीं है, समय लगेगा लेकिन उम्मीद पे कायम है हम। ये मछलियाँ यहाँ पर आप ले आए हैं, अच्छा अभी तो तालाब में छोड़ दे, लेकिन ये पानी सूख जाएगी, मर जाएंगे ये तो? किसने कह दिया, पानी भरपूर मात्रा में आ रहा है, उधर देखिए पानी आ रहा है, वहाँ से नहर से पानी छोड़ा जा रहा है, पानी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, कम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बात मैं कहना चाहूँगा, बेशक पानी से, पानी में डूब के मर जाए, पर पानी कम नहीं होगा यहाँ पर। कम नहीं होगा, इतना विश्वास? बिल्कुल विश्वास है, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, हमें नगर निगम पे भरोसा है। अच्छा, कौन सी पार्टी से हुआ? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हम इडियट क्लब से आए हैं, जो इडियट क्लब हमारा बना है वो अपना जसपाल भट्टी जी की तर्ज पे बना है, और ये इडियट क्लब जो है श्री जसपाल भट्टी जी को समर्पित है। इडियट क्लब से हो? हाँ जी, इडियट क्लब जाने लोग देख रहे हो, कहेंगे सारे सच में इडियट है, ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये काम इडियट ही कर सकता है, सिंपल आदमी तो कर सकता ही नहीं, ये स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए इनका, ये खुद स्वीकार करे कि हाँ हम इडियट है, और इडियट वाले काम कर रहे हैं। फिलहाल मकसद एक ही है इनका, ये यहाँ जो ड्रामा
ड्रामा कर रहे हैं कि जो हाली पारा के पानीपत का, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे तो वो सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर पानीपत के हाली पारक में। हमने भी सुना है कि बहुत समय पहले यहाँ पर किश्तियाँ चलती थी, नाव चलते थे, बोटिंग होती थी। बचपन में मैंने यहाँ पे किश्ती चलाई है, सीमा थिएटर पे गेम्स होती थी, गेम्स खेलते थे हम, बुरा इंजॉय करते, पिकनिक अपने माता पिता के साथ आते थे। वही लुफ्त हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और उम्मीद है होगा, लेकिन अपने बच्चों का ना सही, अपने पोता पोतरी को जरूर दिखेंगे हम, ये हमें पूरी उम्मीद है। नाम क्या है आपका? मैं सुनील चावला, अध्यक्ष इडियट क्लब। ये सुनील चावला अध्यक्ष हैं। फिलहाल जो मछुआरे हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, शायद एक आधी मछली और फंस जाए। भाई जी, एक बोलने वाली उड़ने वाली मछली तो पकड़ ली, अब क्या पूरे तालाब की मछलियों को पकड़ना है? वो सनबात भी कर रही हैं सर वहाँ पर, सनबात कर रही हैं कहाँ पर? वो देखिए इनके, वो देखिए वहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर सनबात ले रही हैं मछलियाँ, नहा चुकी हैं तालाब में, अब ठंड लग रही है और उसके बाद यहाँ सनबात लेती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल हमने तो इनकी आवाज़ नहीं सुनी, पता नहीं ये लोग इनकी आवाज़ कैसे सुन रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनमें कोई जान भी नहीं है, आप देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।